अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई में पिछले करीब ढाई वर्ष में जबरदस्त तेजी आई है। जेडीए की प्रवर्तन शाखा की ओर से न केवल भू माफिया और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, बल्कि पहली बार बड़े पैमाने पर उनसे कार्रवाई में खर्च होने वाली राशि भी वसूल की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। जेडीए की प्रवर्तन शाखा की बढ़ती साख, ढाई सालों में की ताबड़तोड़ कार्रवाई, अतिक्रमण मुक्त कराए कई पार्क और सड़क, जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से जेडी एक्ट के तहत अवैध इमारतों के निर्माण, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, अवैध कॉलोनी विकसित करने और मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण के मामलों में कार्रवाई की जाती। सरकारी भूमि पर कब्जे व गैर कानूनी निर्माण पर जानबूझकर आंखें मूंदने, जेडीए के नोटिस पर अदालती स्टे की आड़ में अवैध निर्माण कराने और मिलीभगत के आरोपों के चलते अक्सर जेडीए की प्रवर्तन शाखा को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा। लेकिन पिछले ढाई साल से ज्यादा समय में जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी के नेतृत्व में प्रवर्तन शाखा का शहरवासियों में इकबाल बुलंद होने लगा। प्रवर्तन शाखा ने 53 वृद्ध अवैध फ्लैट और कमर्शियल इमारतों को ध्वस्त किया है, भवन विनियमों के विपरीत बनी 82 अवैध इमारतों को सील किया है, 1874 बीघा जेडीए स्वामित्व की भूमि को भू माफिया से मुक्त कराया, 320 अवैध कॉलोनियां बनाने के प्रयासों को विफल किया, 1915 कई तरह के अवैध निर्माण धराशाही की, जेडीए एक्ट की धारा 3237 के तहत 2458 नोटिस जारी किए। अवैध निर्माण हटाने और अवैध कॉलोनी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की, निर्माणकर्ता या कॉलोनाइजर से वसूले 20,96,000 रुपए, गैर कानूनी निर्माण के जुर्माने से 3,62,000 रुपए वसूले, जब्त औजार अन्य सामान के बीचान से मिले 5,16,000 रुपए, हाईकोर्ट के आदेश पर 13 पार्क, 20 सुविधा क्षेत्र, 8 मुख्य सड़क अतिक्रमण मुक्त कराई, 257 कॉलोनियों में सड़क पर किए अतिक्रमण को हटाया, 15 आवासीय अपार्टमेंट में स्ट्रीट में की गई पार्किंग से अतिक्रमण हटाए, मुख्य सड़कों पर 4 मॉल्स के आगे समर्पित भूमि का कब्जा लिया। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।